हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 सेकंड चैप्टर मैथ्स 2 का 12th स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने डेरिवेटिव्स पहला चैप्टर ले लिया था बेटा, मतलब डिफरेंशिएशन, उसी के एप्लीकेशन हम अब इस चैप्टर में करेंगे। और इसमें कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक हमें ज्यादा जोर कौन से टॉपिक के टॉपिक पे देना है और किस एक्सरसाइज में क्या टॉपिक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था जब मैंने इसका पूरा आपको एक जनरल आइडिया और एक पूरा साइनोप्सिस दे दिया था चैप्टर का। तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, उसमें आपको पूरे चैप्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने एक साथ कलेक्टिवली दे दी है, जिससे कि आप बाकी चीजों के लिए तैयार रह सको। एक बार आपको पूरा एक बार आइडिया हो जाए जनरल, जिसके कारण आगे आपको जो पढ़ाई की जर्नी है वो आसान जाए। ठीक है, तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो मैंने पिछले इसमें तो वैसे आपको इसका आइडिया दे दिया था कि एक्सरसाइज 2.1 में क्या करने वाले, लेकिन फिर भी मैं आपको एक 2 मिनट के अंदर आज थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तो बेसिक्स ले लेंगे थोड़ा सा। तो एक्सरसाइज 2.1 का थोड़ा बेसिक देखो, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से कि यहाँ कर्व दिया रहेगा। ठीक है, इस कर्व पे हमें कुछ इस तरीके से एक टेंजेंट रहेगा। ठीक है, और कर्व का इक्वेशन रहेगा सपोज y स्क्वायर इक्वल टू 3x² + 2, वो जैसा इक्वेशन है सपोज। तो ये जो कर्व है, कर्व के इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2y dy/dx। ठीक है, क्योंकि यहाँ x का पावर n वाला फॉर्मूला गया, तो 2y dy/dx = यहाँ भी 2 नीचे आ जाएगा तो 3 to the 6x + 0। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका स्लोप dy/dx = 6x/2y, और यहाँ कुछ x और y के पॉइंट्स भी दिए रहेंगे। ठीक है, x1 y1 नाम से, तो इसे आप बोल सकते 3, 2 इसे बोल दो। तो यहाँ स्लोप आ गया बेटा 6 into आपका स्लोप आ गया 6 into यहाँ x के साथ मतलब 3। ठीक है, और 2 into y है 2। ठीक है, तो ये 2 3 6 और ये 3 3 9 अपॉन 2 9/2 मतलब 4.5 का स्लोप आ गया। ठीक है, तो आप इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालोगे बड़ी बात है क्या? नहीं, आपको पता है कि y - y1 = m (x - x1). ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको पता है, तो इससे हम आराम से निकाल सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा देखो, y - y1 क्या है हमारा बेटा, y1 हमारा है 2, कितना है 2, m कितना है 9/2, x - x1 कितना है बेटा, x1 है 3, तो ये निकलो आप 3। ठीक है, यह y1 लेंगे। ठीक है, अब देखो 2y - 4 (9x - 3), तो स्लोप क्या आपका इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहले टेंजेंट लिखते फिर नॉर्मली बता रहा हूँ, 2 मिनट ही लगेंगे। ये 9x इधर ही रहने दो, ये 2y को उधर भेज दो तो -2y। ठीक है, अब यह हो गया -3, ये उधर जाके +4, क्या हो जाएगा +4, तो -3 + 4 + 1 = 0, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप का इक्वेशन, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा पहले, फिर नॉर्मल की इक्वेशन क्या रहेगा, ये हो गया टेंजेंट, और इस पे ऐसा एक नॉर्मल रहेगा जो कि इस पे 90° बनाएगा, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, सिंपल बात है। ठीक है, तो अब अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, ये थोड़ा इधर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं नॉर्मल के बारे में लिख रहा हूँ। नॉर्मल जो होता है बेटा, नॉर्मल कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन से एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो (m1)(m2)-1, ये हम स्ट्रेट लाइन में सीख चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, और इस साल की स्ट्रेट लाइन है हमें मैथ्स 1 में 4th चैप्टर, उसमें भी मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ, पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, पहले देख लो। ठीक है, देखो (m1)(m2)-1, therefore m1 क्या है बेटा, यहाँ स्लोप किसी का भी वन ले लो, सपोज मैं बोल देता हूँ कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट 9/2 जो है ये 1, क्योंकि dy/dx ये जो आया है यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसे ही हम बोलेंगे। इसे डिटेल में कैसे लिखना है मैं आपको पढ़ा दूंगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये सपोज 9/2, m2 = -1, तो m2 आ गया आपका -2/9। क्लियर, ये (m1)(m2)-1, इसका प्रूफ मैंने आपको मैंने दिया ही नहीं आपको अभी। ठीक है, तो ये मैं आपको बीच में बता दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये (m1)(m2)-1 अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमेशा निगेटिव का 1 आएगा। ठीक है, ये तो (m2)-2/9, क्योंकि यहाँ 9/2 आ गया, ये उधर जाके रेसिप्रोकेट हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया। क्लियर, चलो ठीक है, तो m2 आ गया -2/9। ठीक है बेटा, अब यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख लो कैसे होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सेम टू सेम पूरा सिर्फ स्लोप बदलेगा, y - y1 = m (x - x1). ठीक है,
तो देखो y क्या है बेटा, y वैसे क्या, वैसे y1 क्या है, y1 है बेटा आपका 2, ठीक है, m क्या है आपका -2/9, ठीक है, और x, x1 क्या है बेटा 3, ठीक है, क्योंकि -2/9 क्लियर, इसका -2/9 स्लोप इसका 9/2, ठीक है, तो ये 9 इधर चले गया, तो 9y-18 इज इक्वल टू, नीचे लिख रहा हूँ, -2x और +6, ठीक है, तो यहाँ आ गया 2x, इधर आ गया तो 2x, ये +9y, ये -18 और -6 कितना हो गया -24 इज इक्वल टू 0, क्लियर बेटा। चलो ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, समझ गए आप, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन में और डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, और इसके बाद ये अगर आपको समझ गया तो कुछ रेट वाले क्वेश्चन है जिसमें रेट चेंज होगा, ठीक है, आपको अगर आपने फिजिक्स में सीखा होगा, जैसे सपोज हम बोल रहे कि अगर आपको कोई दे दे कि डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम पे अगर डिपेंडेंट है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो इसे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ds बाय dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 2t प्लस v, आपने फिजिक्स में भी सीखा, ठीक है, तो ds बाय dt यानी वेलोसिटी होता है v, ठीक है, तो ये हो गया 2t प्लस 2। अब आपको इससे ही निकालना है सपोज आपको एक्सीलरेशन, तो इसको डिफरेंशिएट वापस से कर दो, तो dv बाय dt इज इक्वल टू 2, बस इसका तो 0 हो गया, t के कारण 2 बाहर, तो आपका एक्सीलरेशन आ गया, ये dv बाय dt यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2, मतलब आप अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है। जैसे कि आप ये यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू dv बाय dt, ठीक है, और ऐसे v इज इक्वल टू ds बाय dt, v इज इक्वल टू ds बाय dt, ठीक है, यह और एक फॉर्मूला होता है a का, वो फिजिक्स में यहाँ नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। चलिए तो हो गया ये, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब आप एक्सरसाइज की ओर बढ़ते, ठीक है, या तो हो गया क्लियर, चलिए बढ़ते एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट ऑन इट, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है टू द कर्व एट अ पॉइंट ऑन इट, मतलब यहाँ 6 क्वेश्चन है, 6 सब क्वेश्चन है टोटल शायद, तो पहला करने जा रहा हूँ मैं, ध्यान देना पूरे ध्यान से देखना, ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ex, 2 का पावर 2e का पावर x प्लस 2, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ इसे डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले, ठीक है, तो जैसे ही इक्वेशन दिखे सबसे पहले इसको लिख लो, इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, आपके मन से आपको कितनी थ्योरी लिखनी है वरना नहीं लिखनी है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएट, अब मैं यहाँ डिफरेंशिएशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि हम एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं यार, तो मैं सोचूंगा कि आपको डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आता है, ठीक है, चलिए तो यहाँ करेंगे dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा बेटा, यह हो जाएगा 2e का पावर x, सेम टू सेम होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो लिखना है तो लिखो वरना मत लिखो, मैं तो नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन अब अच्छे से आता है, हमारी पकड़ है, अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं देखा है बेटा तो प्लीज देख लो, वरना ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, पल्ली नहीं पड़ेगा ये, ठीक है, चलो ये हो गया, अब यहाँ आप अगर x की वैल्यू डालो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ देखो आप ये स्लोप dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2e का पावर x, यही है स्लोप, ठीक है, therefore slope of tangent is equal to dy by dx, ठीक है, या बोल दो यहाँ m is equal to dy by dx, मतलब ये जो है यही slope of tangent है, ठीक है, यही slope of tangent है, ठीक है, at point कौन सा 0,4 पे क्या आ जाएगा, dy by dx की वैल्यू डाल दो, क्या है 2, x डालना है ना, तो x क्या है, x यहाँ 0 है और y यहाँ 4 है, ठीक है, x यहाँ 0 है और y यहाँ 4 है, ठीक है, ये देखना ध्यान से देखना, तो 0 लिखो यहाँ 2 इंटू x यानी 0 प्लस 2 इंटू e का पावर 0, देखो e का पावर 0, अब किसी का भी पावर 0 होता है तो क्या आता है बेटा आंसर, आपने लॉ ऑफ इंडाइजेशन सीखा है, एनिमल रेशियो टू पावर 0 इज व्हाट 1, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा आपका स्लोप, 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1, तो आपका स्लोप क्या आ गया बेटा 1 आ गया, क्या आ गया आपका स्लोप 1 आ गया, ठीक है, मैं इस नाम को हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो आपका स्लोप क्या हो गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका यहाँ आंसर, ठीक है, चलो क्लियर हो गई ये बात, अब आपको वैसे मैंने पहले समझा दिया था ये बेसिक्स में, मतलब थोड़ी देर पहले, तो आप उसमें भी समझ गए होंगे,
वापस से मैंने रिपीट किया अभी, क्लियर। चलिए तो अब यहाँ आप इसे थोड़ा सरका लेंगे, खिसका लेंगे, ठीक है। ये यही है, एम ही है ये, ठीक है, कोई अलग नहीं है। ये मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसे थोड़ा अलग कर देना चाहिए तो, ठीक है। ये पॉइंट्स है जिसके लिए हमने ये स्लोप निकाला है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी थ्योरी दी है, ठीक है, पहले बोल देता हूँ, उतनी थ्योरी नहीं लिखनी है, जितना बता रहा उतना लिख लिया तो बहुत है, ठीक है। थ्योरी नहीं होती है मैथ्स में थ्योरी होती है, थ्योरी होती है, मैं नहीं बोल रहा थ्योरी नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखती, थोड़े बहुत लाइन्स लिख के छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो लिखो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। ये कौन सा फॉर्मूला है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। चाहो तो लिख लो स्लोप पॉइंट फॉर्म, आपकी इच्छा है, ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो वाई माइनस वाई वन क्या है बेटा? वाई वन आपका है फोर और एक्स वन आपका है जीरो, ठीक है। तो वाई वन आप फोर लिख लो और एम क्या है, स्लोप क्या आ गया आपका? वन आ गया, सॉरी टू अंदर टू हो जाएगा, स्लोप तो टू हो गया, हाई स्लोप टू है, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स वन क्या है? जीरो, ठीक है। तो आप जीरो लिख लो, क्लियर। तो देखो वाई माइनस फोर इज इक्वल टू टू एक्स, ये आपका इक्वेशन। तो ध्यान से देखना, टू एक्स ये इधर माइनस फोर, ये फोर उधर जाके प्लस इज इक्वल टू जीरो। देखो ये माइनस फोर उधर जाके प्लस फोर, ये वाई प्लस उधर जाके माइनस, ठीक है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये हो गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। हाँ, आपके टीचर ने अगर कहीं बीच में स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला तो वो भी चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले पूरा एक काम कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर दूसरे के उदाहरण, ठीक है। पहले एक सब जॉब वन कर लेंगे, फिर सब जॉब टू करेंगे, ये हमने प्रेजेंटेशन में सीखा है। स्लोप ऑफ, हाँ स्लोप ऑफ क्या होगा, हाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन, या यहाँ एम वन बोल देते हैं और माइनस वन अपॉन एम बोल देंगे, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल की स्लोप है वो है एम वन और इसकी जो है वो है एम, क्या है एम, ठीक है, यहाँ मैंने बोल दिया। तो माइनस वन अपॉन एम, तो क्या आ जाएगा? माइनस वन अपॉन एम क्या है? टू है। तो माइनस वन अपॉन टू आ गया आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर एम वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, फिर से यही सब करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन, ये मेरा ई है, ये ई है, ये भी ई है, ठीक है, ये मैंने बड़ा ई लिखा इंग्लिश का ही, ठीक है, ऐसे मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी इसलिए वैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या लिखेंगे, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन, देयर फॉर वाई क्या है बेटा, वाई वन क्या है, देखते वाई वन है आपका, यहाँ फोर है वाई वन और एच जीरो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फोर इज इक्वल टू एम माइनस वन बाय टू एक्स माइनस एक्स वन, क्या है बेटा एक्स वन आपका है जीरो, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ये टू यहाँ मल्टीप्लाई, तो टू आई माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स प्लस टू आई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का स्पेलिंग में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपको पूरी लिखना, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, अगर पहला क्वेश्चन समझ गया है ना और आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, आगे भी क्वेश्चन पॉज करना, करके देखना, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगर ये समझ गया ना आपको तो अगला क्वेश्चन आप पॉज करो और खुद से करके देखो। चलिए वन टू थ्री, चलो हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि आपने पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करके देखा है, ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करो, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ लिखेंगे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली, तो एक्स क्यूब या वाई लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट, ये पैरामेट्रिक फॉर्म फंक्शन है, पता है ना, पैरामेट्रिक नहीं सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्या है इम्प्लिसिट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस माइनस नाइन एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। इसे डिफरेंशिएट करना तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, और यहाँ ये है एक्स वन और ये है वाई वन, ठीक है, ध्यान दो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको कर्व का इक्वेशन दिया गया, किसका है, कर्व का, ठीक है, याद रखना इक्वेशन हमेशा कर्व का, ठीक। अब याद रखो थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस यहाँ हो गया थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं एक बार बता दूँ, ये मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ इस चैप्टर में, देखो यहाँ एक्स का डिफरेंशिएशन हमने वापस क्यों नहीं किया,
तो dx डी dx ऑफ x आया था, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1 आता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहां बताया इस चीज को। लेकिन जब हमने y की बात की तो d dx ऑफ y, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते ना, क्योंकि सेम नहीं है ना, इसलिए हमने ऐसे रखे, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ माइनस 9, ये पूरा ब्रैकेट में, इसको प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये यू ये बी, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यू ऐसे का वैसा वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी वैसे का वैसा यू का डिफरेंशिएशन, मतलब पहले एक्स वैसे का वैसे डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ये y वैसे के वैसे dx by dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy by dx प्लस प्लस, तो यहाँ देखो प्लस इनटू माइनस माइनस 9 है, dy by dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो 9 को, यहाँ माइनस माइनस प्लस 9y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ ये dy by dx वाली टर्म कॉमन निकाल लो, इसमें से dy by dx कॉमन निकाल लो, एक साइड रख ले लो, ठीक है, क्योंकि हमें dy by dx एक साइड चाहिए, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, ये बचेंगे ना, dy by dx कॉमन निकालने के बाद। अब बचे हुए टर्म्स का क्या करेंगे सर, तो उसे उस साइड में क्या करो, उस साइड में, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, या बीच में प्लस आता है प्रोडक्ट रूल में, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, मैंने बोला प्लस लिखा माइनस, यहाँ देखो यहाँ प्लस आता है प्रोडक्ट रूल में बीच में, तो माइनस प्लस माइनस, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता है, इसलिए यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ हो गया ये 3x स्क्वायर इधर जाके माइनस और ये प्लस 9y, ठीक है, क्लियर। अपॉन ये हो गया आपका, यहाँ डायरेक्टली लिखूँ क्या मैं, हाँ ये टर्म डायरेक्टली इधर खींच लेता हूँ, ठीक है, आपको ये समझ ही गए होंगे, तो आप ये स्टेप लिख लेना अपने बुक में, ठीक है, चलो क्लियर, समझ गया, डिवाइड ये 6 से डाल दिया। अब यही है स्लोप बेटा, यही है स्लोप, ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया आपकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट m बोल दो, ठीक है, इज इक्वल टू dy / dx, ठीक है। तो यहाँ अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करनी है, क्या x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, या x1 y1 बोल दो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा वो, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, समझ गए, ठीक है, तो हो गया। अब आगे देखो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx का आगे अपना, हाँ ये देखो, यहाँ x की वैल्यू 2 डालनी है, y की वैल्यू 4 डालनी है, तो डायरेक्टली डाल सकते हैं, आप पूरा ये टर्म यहाँ लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्टली डाल दूँ, देखो माइनस 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 इंटू y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू 4 है, 4 डाल दो, ठीक है, अपॉन ये y1 x1 ये y है, तो टेंशन मत लो, डायरेक्ट पुट करो आ जाएगा, ठीक है, y1 x1 बार बार यहाँ लिखना मुश्किल होता है, इसलिए हम यहाँ x y लिखते हैं, क्लियर, चलो तो 3 इंटू y क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 इंटू x यानी 9 इंटू 2, क्लियर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस ये माइनस है ना, तो 4 इंटू 3 माइनस 12 क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस 12, ठीक है, 4 3 इसका 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 3 से 12 यहाँ 9 4 से 36 क्या हो जाएगा 36, अपॉन ये देखो 3 इंटू 16 3 16 इज 48 क्या हो जाएगा 48 माइनस 9 टू 18 क्लियर 9 टू 18 समझ गए, देखो इसलिए मैंने 18 लिख लिया है, देखो 18, तो यहाँ इसका अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ मैं डिवाइड बाई लिख रहा हूँ, ठीक है, m स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये m, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इधर जगह नहीं इसलिए माइनस 12 प्लस 36 कितना आ गया आपका 24 है 24 अपॉन इन दोनों का आ गया 30, ठीक है, तो इसे 4/5 लिख सकते हैं आप, 6 4 24 6 5 30, तो आपका m कितना आ गया 4/5, दिस इज द स्लोप ऑफ योर टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ योर टेंजेंट, क्लियर, समझ रहे हो, दिस इज द स्लोप ऑफ योर टेंजेंट 4/5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं सबसे पहले, तो मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या मुश्किल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखो एक्स सॉरी यहाँ स्लोप पॉइंट फॉर्म आपस से वाई माइनस वाई वन, यहाँ स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको यूज करो, ठीक है, यहाँ डिनोट करने की जरूरत नहीं कि ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है करके, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई क्या आ गया बेटा, वाई वन क्या आ गया आपका 4, तो वाई माइनस 4 और यहाँ एम क्या है बेटा 4/5 और एक्स क्या है एक्स एक्स वन देखते हैं यहाँ क्या है 2, ठीक है, तो आराम से आपका इक्वेशन क्या आ गया, देखो यहाँ डायरेक्ट करो 4 5y - 20, ठीक है, इज इक्वल टू 4x - 8, ठीक है, ये 4 × x 4x 4 × 2 8, ठीक है, यहाँ देखो ये 4x ऐसे का ऐसा रह गया, ये 4x ये -5x, हमेशा x के साइड y वालों को लेके जाना, तो 4x इधर ये 5 उधर जाके माइनस ये 20
उधर जाके प्लस, तो प्लस 20 माइनस 8 हो गया प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक है। मैं थोड़ा ढंग से लिख लूं तो बहुत खराब दिख रहा है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब सबसे पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। मैंने एक काम खत्म कर लिया, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट में निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में निकाल लिया, एक्चुअली स्लोप इक्वेशन निकालने के लिए निकाल दिया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है बेटा, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल को एम वन ले लेते, क्या ले लेते एम वन, ठीक है। तो एम वन कैसी होगी, माइनस वन अपॉन एम, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, माइनस वन। सपोज यहाँ एम है टेंजेंट का स्लोप और एम वन है नॉर्मल का, तो इनका प्रोडक्ट माइनस वन आएगा। इसीलिए मैंने लिखा कि अगर इसके एम वन स्लोप है तो एम वन इज इक्वल टू माइनस वन, ये अपॉन चले जाएगा एम, तो कुछ इस तरीके से, इसीलिए मैंने ये इस्तेमाल किया, ठीक है। चलो ये तो आप बचपन से इस्तेमाल कर रहे हो, एम इन टू एम वन इज इक्वल टू माइनस वन बराबर, एलेवेंथ में भी स्ट्रेट लाइन में किया होगा आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो गया, एम वन इज इक्वल टू वन अपॉन एम, क्या है बेटा हमारा स्लोप 4/5, तो यहाँ क्या हो गया 4/5 के उल्टा, 4/5 के उल्टा क्या हो जाएगा 5/4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत ही आसान है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। तो m1 हो जाएगा यहाँ, या m नहीं यहाँ m1, क्योंकि इसकी स्लोप क्या है बेटा m1, ठीक है। ध्यान देना लिखते समय स्लोप पॉइंट फॉर्म ही यूज करेंगे, फॉर्म दूसरा नहीं, ठीक है। y माइनस y1 क्या है बेटा, y1 आपका है 4 और ये 2, ठीक है, याद रखना ये 4 और x माइनस 2 और m क्या हो गया 5/4। अब ध्यान दो 4 इंटू y 4/4, 4 16, ठीक है। 5 इंटू x 5x, ठीक है, 5 इंटू x 5x माइनस 5 2 10, ठीक है। तो देखो 5x उधर जाएगा तो ये 5x, ये माइनस 4y, ठीक है, ये प्लस 16 हो जाएगा उधर जाएगा, तो प्लस 16 माइनस 12 यहाँ प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझे नहीं क्या, मैं एक बार वापस बता दूँ, दिस इज द रिक्वायर्ड, पहले लिख देता हूँ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेटा बहुत ज़्यादा चांसेस है कैलकुलेशन मिस्टेक होने के, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत आपका चेंज हो सकता है कुछ वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ पहले एक बार चेक कर लेते, पहले मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। तो यहाँ हो जाएगा ये 4x उधर जाएगा माइनस, ये 16 उधर जाएगा प्लस, ये माइनस 10 था, माइनस 10 प्लस 16 आ गया 6, तो 5x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ से चेक कर लेते वापस, ठीक है, रुको मुझे लग रहा है शायद कुछ गलत हो गया, यहाँ से चेक कर ले बच्चों। तो देखो यहाँ माइनस 5 रह गया था, ये माइनस तो दिया ही हमने, तो यहाँ भी माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस 10, तो ये माइनस 5x, ठीक है। तो ये माइनस 5x उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस ही रहेगा, और यहाँ 26 हो जाएगा, वो भी प्लस वाला, ठीक है, लेकिन माइनस वाला हो जाएगा हमारे हिसाब से माइनस, ठीक है, टेक्स्ट बुक में शायद प्लस दिया है। देखो यहाँ हो जाएगा माइनस, कैसे मैं बोलता हूँ एक बार देखो, ये माइनस 5x इधर जाके प्लस, ये 4x वैसे का वैसा 4y, ये प्लस आ गया, ये प्लस 10 उधर जाके माइनस 10, क्योंकि माइनस 5 माइनस 2 प्लस 10, तो ये प्लस 10 इधर जाके माइनस 10, अब ये माइनस 10 और माइनस 16 आ गया माइनस 26, क्लियर। चलिए तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ठीक है, ध्यान देने इस पर। अब ये पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, रूट आ गया इसमें, चलो करते इसको सॉल्व, अब विजिबल है आपको ये, चलो ठीक है। अब देखो ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है डायरेक्ट डायरेक्ट, ये आपका x1, ये आपका y1, डरना नहीं है, सिर्फ रूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ये लिख लेते हैं x² - √3xy + 2y² = 5, ये कुछ भी हो इधर, इसका डिफरेंशिएशन 0 आने वाला है, ठीक है। देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ध्यान दो 2x - √3, या x y का क्या हो जाएगा, x वैसे का वैसा dy/dx, पहला वैसे का वैसा दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस दूसरा y वैसे का वैसा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और उसके बाद क्या प्लस 2, ये y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 नीचे और y यहाँ, ठीक है, और वापस से एक dy/dx इज इक्वल टू 0, कैसे हो गया सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ क्या हो गया 2y², तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर, y² का 2y, x का पावर n वाला फॉर्मूला है, अब ये बता रहा हूँ मैं, हर एक इसमें नहीं बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट आप समझ लेना ये 2y, अब यहाँ y का dy/dx, ठीक है, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 20 से 21 वीडियोस में बता दिया है, तो वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, ज्यादा लंबे नहीं है, 2-3 दिन में हो जाएगी, अगर अच्छे से दोगे तो फास्ट
ठीक है, पूरा कोशिश करोगे तो 8-8 घंटे पढ़ोगे तो ठीक है। ये हो गया माइनस 2x माइनस रूट 3x, क्या हो जाएगा रूट 3x डिवाइड बाई रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ वापस से मल्टीप्लाई होगा रूट 3 तो माइनस रूट 3y, ठीक है, वन लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस यहाँ हो जाएगा 4y इंटू डिवाइड बाई dx, ठीक है। तो बिना डिवाइड बाई dx वाले एक साइड लिख लो और बिना डिवाइड बाई dx वाले एक साइड, ठीक है, बिना वाले उधर और डिवाइड बाई dx होने वाले एक साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिवाइड बाई dx आप इन दोनों से कॉमन भी निकाल सकते हैं, स्टेप बच गया आपकी, ठीक है। वैसे बहुत लंबा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। डिवाइड बाई dx कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया माइनस रूट 3x, यहाँ बच गया प्लस 4y, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ ये 2x है ना, ये 2x अब उधर चल जाएगा तो माइनस 2x और ये उधर चल जाएगा तो प्लस रूट 3y, ठीक है, रूट 3y, ठीक है। अब यहाँ अगर हम इसे अच्छे से लिखें तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस रूट 3y अपॉन रूट 3y अपॉन माइनस रूट 3x प्लस 4y, ठीक है। तो ये रूट 3x नहीं है, ये रूट के अंदर नहीं है, वाई मैंने क्या कर दिया, ये y रूट के अंदर नहीं है और यह x भी रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका dy बाय dx, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ dy बाय dx इज इक्वल टू m बोल दूंगा, ठीक है, या डायरेक्टली कर लो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि है m, ठीक है, इसे ही बोलेंगे हम डिवाइड बाय dx, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ मैं नीचे करता हूँ, यहाँ जगह कम पड़ेगी, m इज इक्वल टू 2x प्लस रूट 3y अपॉन रूट 3 माइनस रूट 3x प्लस 4y, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू मैं डायरेक्ट डालू, x और y देखो क्या है, x यहाँ है बेटा आपका रूट 3 और y यहाँ है आपका 2, ठीक है, ये हो गया आपका x और y की वैल्यू, x1 ये y1, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको क्या डालनी है रूट 3, तो यहाँ 2√3, ठीक है, प्लस रूट 3y, रूट 3y, तो रूट 3y क्या हो जाएगा, देखो y की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो इंटू 2 इंटू 2 अपॉन रूट 3x, तो x की वैल्यू क्या है रूट 3, ठीक है, x की वैल्यू भी रूट 3, यहाँ भी रूट 3, प्लस 4y, प्लस 4 इंटू y कितना है, y है आपका 2, ठीक है। यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू, देखो बेटा यार 2, ये 2 देखना, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू क्या आपकी रूट 3, क्या है रूट 3, तो यहाँ लिखेंगे रूट 3, ठीक है, प्लस रूट 3y, रूट 3y, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ माइनस 2x है, ये माइनस है आगे, तो ये माइनस लगा लो तो ये दोनों खत्म होकर 0 हो जाएंगे मेरे हिसाब से, देखो क्योंकि 2√3 यहाँ भी 2√3 आ गई, तो ये 0, इसे 2√3 तो लिख सकते हैं ना आगे 2 लेके, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है, तो रूट 3 एक्स कितना, एक्स भी आपका है रूट 3, ठीक है बेटा, और यहाँ हो गया प्लस 4 इंटू वाई मतलब 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका m इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर आ गया 0, तो इसका 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0, ठीक है, समझ गए। चलो तो स्लोप आ गया आपका 0, अब स्लोप 0 आ गया तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, सुनो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कुछ फर्क आएगा, देखो ध्यान देना यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है हमारा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब ध्यान देना y माइनस y1 कितना है बेटा, y1 आपका है 2, ठीक है, यहाँ 2 डाल लो, इज इक्वल टू m क्या है 0, तो यहाँ आप x की वैल्यू कुछ भी डाल लो, आंसर 0 आने वाला, ठीक है, तो x1 की मान लेता हूँ मैं रूट 3 या 0 इंटू 0 पूरा 0, तो y माइनस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 बन गया तो y इज इक्वल टू 2 आपका फाइनल आंसर आ गया, बस इज द इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा टेंजेंट, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है बेटा। चलिए ये दिख गया आपको टेंजेंट का इक्वेशन, हमने यहाँ बना लिया, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम टू द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का निकालना बहुत ही आसान है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता है क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है बेटा m1, हम हमेशा m1 भी ले रहे हैं, 1 अपॉन m हो जाएगा माइनस 1 अपॉन m, तो m1 ये n है, n m गलती से इसको ये मत समझ लेना कि ये h है, ठीक है, थोड़ा ढंग से निकाल लेते हैं एक मिनट, ये ऐसे लिखने में थोड़ी दिक्कत जाती है लेकिन उधर से आपको दिखता नहीं है, तो माइनस 1 अपॉन m क्या है, m का आ गया 0, तो 0 ये क्या आ गया, इन्फाइनिट आ गया,
वन बाय जीरो इन्फाइनेट, ठीक है याद रखना वन बाय जीरो इन्फाइनेट, ठीक है वन बाय जीरो इन्फाइनेट, ठीक है क्लियर। अब ध्यान देना क्योंकि इन्फाइनेट स्लोप है तो क्या ही निकालोगे आप, है ना, मतलब यहाँ आ गया होगा आपका टेन नाइनटी यानी नॉट डिफाइंड। तो अब इन्फिनिटी हो गया ये स्लोप, तो अब ध्यान दो बेटा आप क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या कर सकते अब देखना अब यहाँ देयर फॉर नॉर्मल जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, नॉर्मल इज यहाँ मैं परपेंडिकुलर का साइन बना देता परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, कैसे, क्योंकि बेटा tan 90 स्लोप का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा, और यहाँ tan 90 जब आएगा तभी होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है वो इन्फिनिटी है ना नॉट डिफाइंड, एक्चुअली यहाँ नॉट डिफाइंड भी लिखा तो चलेगा नॉट डिफाइंड एंड, ठीक है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि इसमें y का टर्म है वही इसका, सॉरी जो x का टर्म है वही इसका इक्वेशन है, ठीक है क्योंकि y तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ, इस तरीके से होगा ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है, और ये जो है ये स्लोप नॉर्मल नॉर्मल कुछ इस तरीके से जाएगा तो डार्क वाला, तो अब ये y को तो पैरेलल हो गया ना, तो y को पैरेलल हो गया मतलब इसमें y का पॉइंट है ही नहीं, इसमें सिर्फ x का पॉइंट है जो कि है √3, मतलब इसका इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू √3, क्लियर। चलो इसे मिटा देते हैं, देयरफॉर देयरफॉर y सॉरी या लिख सकते हम y एक्सिस हो गया, अब देखो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y इज इक्वल सॉरी x इज इक्वल टू √3 क्यूब, यहां लिख लेंगे सिंस सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस को पैरेलल इसलिए इसका स्लोप के x इक्वल टू -3, यहां आप लिख लेना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इक्वल टू √3, वैसे मैंने लिख लिया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये इतना सिर्फ अलग था बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब सिंपल ही है, ये भी आपने पहले देखा है, ठीक है ये चार्ट याद होगा तो उसमें इन्फिनिटी है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट निकाल लो, तो आया हो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आप आसानी से कर लोगे, पॉज करके एक बार करके देखो आ जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा आपका 2xy + y sin y इज इक्वल टू 2y, अब इसे डिफरेंशिएट करना है, ये आपका x1 ये आपका y, ठीक है 1, 5/2, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा 2, ये xy के डायरेक्ट लग जाएगा प्रोडक्ट टू, डायरेक्ट प्रोडक्ट टू, तो पहला u वैसे का वैसा du / dx यानी dy / dx, ठीक है, फिर y वैसा का वैसा x का डिफरेंशिएशन 1, dx / dx 1 होता है, ठीक है, प्लस pi कांस्टेंट है, pi को बाहर रख दो, पाई को बाहर फेंक दो, भेज दो आपकी जो इच्छा है, ठीक है पाई को बाहर भेज दो, साइन वाई का क्या होता है बड़ा डिफरेंशिएशन कॉस वाई, और यहाँ हो जाएगा साथ में डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2π का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है 2π का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको 0, ठीक है क्लियर 2π का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ हो जाएगा 2 × x 2x और ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ 2 × y + 2y, ठीक है, यहाँ हो गया पाई कॉस वाई, ठीक है इंटू डीवाई बाय डी एक्स, ठीक है ब्रैकेट हटा दो सिर्फ इससे देखो इक्वल टू 0। अब डीवाई बाई डी एक्स वाले जितनी टर्म्स है उनको एक साइड रखो, तो डीवाई बाई डी एक्स एक स्टेप चेक कर लिया करो, ठीक है आप खुद से ध्यान लिया करो पूरे स्टेप डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है तो यहाँ हो गया 2x + π cos y, ठीक है और ये 2y इधर प्लस उधर जाके बेटा माइनस, ठीक है तो यहाँ देखो डीवाई बाय डी एक्स क्लियर ना, ये देखो डीवाई बाय डी एक्स ये और ये कॉमन निकालना है, ठीक है घबराना नहीं इसमें कुछ, तो 2x + π cos y, ठीक है तो ये 2 − 2y ये उधर जाके −2y अपॉन 2x + π cos y, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे x और y की और निकाल लेंगे स्लोप, ठीक है तो सबसे पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि क्या है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आपका m1, क्या है m1 इज इक्वल टू dy / dx, यही आपका स्लोप है देयरफॉर m1 में बोलो m ही बोलो, ठीक है m1 तो हम नॉर्मल का ले रहे फिलहाल, है ना तो पैटर्न नहीं बदलते है ना, तो पैटर्न मत बदलना कैसे फिर समझता नहीं बीच में, ठीक है m इज इक्वल टू dy / dx देखो क्या है 2y 2x + π cos y, y की वैल्यू और x की वैल्यू, तो यहाँ x और y की वैल्यू लिख लो, x इज इक्वल टू बेटा 1, y इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये x1 y1 एक्चुअली, ठीक है। चलो अब इसे थोड़ा अलग रंग से दे दे, चलो
चलो हो गया। देखो x1 क्या है बेटा, 1 है, क्या है 1 है, एक मिनट, हाँ x1 देखो 1 है, मतलब यहाँ x की जगह 1 और y की जगह y बाई 2, तो यहाँ ऊपर है माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि जो y है वो क्या है पाई बाई 2, ये 2x, 2 इंटू 1, 2x है ना, 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस पाई इंटू कॉस y, तो कॉस क्या है, कॉस y, तो y की वैल्यू क्या है पाई बाई 2, तो कॉस 90 तो आपको पता ही होगा बेटा, मुझे क्या बताना है, कॉस 90 जीरो, ठीक है, कॉस 90 होता है जीरो, तो m इज इक्वल टू ये 2 2 कैंसिल, तो यहाँ करते नहीं ऐसा, सिर्फ लिखते, ठीक है, डायरेक्ट सोच लो आप, काट दिया मैंने माइनस पाए, ये माइनस पाए, ठीक है, समझ लेना, तो माइनस नीचे ले लेता, माइनस पाए अपॉन देखना यहाँ 2, ठीक है, प्लस पाए इसका जीरो हो गया, कॉस पाए क्या हो गया, कॉस पाए बाय 2 जीरो, यानी कॉस 90 जीरो, तो ये पाए के साथ मल्टीप्लाई कर जीरो, तो यार 2 प्लस जीरो, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस पाए बाय 2, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका माइनस पाए बाय 2, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ध्यान देना, अब बहुत ही आसान है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, अब ध्यान देना, y माइनस y1 इज इक्वल टू x, सॉरी m इन ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है, तो y माइनस y1 क्या है बेटा, y1 आपका है पाई बाय 2, लिख लो वैसे क्या वैसा, ठीक है, यहाँ m क्या है बेटा, m जो आपका वो है पाई बाय माइनस पाई बाय 2, ठीक है, और यहाँ जो है ये दूसरा, एक मिनट, यहाँ x क्या ले लेंगे, x माइनस x1 क्या है 1, ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ हो गया y माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 x माइनस की जगह प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पाई बाय 2, ठीक है, तो अब ध्यान देना, ये पाई बाय 2 ऐसे कैसा, तो ये इधर आ गया तो पॉजिटिव, तो यहाँ पाई बाय 2 x, ठीक है, प्लस y, और ये पाई बाय 2 इधर आएगा, देखो तो यहाँ माइनस पाई बाय 2 ऑलरेडी है, और ये इधर आ गया माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, अब इसे हम इधर लिखते हैं, ठीक है, पहली बार हम इधर लिखने जा रहे हैं, देयरफॉर ये पाई बाय 2 x, समझ गए ना, पाई बाय 2 x, ये तुम जाए जैसे दिख रहे हैं, एक मिनट थोड़ा अच्छे से निकालने की कोशिश चल रही है, पाई बाय 2 x, ठीक है, प्लस y, यहाँ आ गया माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, आधा और आधा एक हो जाएगा, मतलब माइनस पाई इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस है, इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर टेंजेंट, ठीक है, तो यहाँ तक देख लो, थोड़ा अलग था पाई के कारण, थोड़ा दिक्कत जा सकती है, बाकी तो बताइए आपको, बाकी नॉर्मल का था, हम निकाल लेंगे बाहर से, ठीक है, समझ गया ना यहाँ तक, कोई यहाँ तक दिक्कत, ठीक है, तो अब नॉर्मल, तो अब निकालते हैं बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट का इक्वेशन तो मिल गया है, आप नॉर्मल का जुगाड़ करते, तो सबसे पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है बेटा, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना तो बहुत ही आसान है, देखो माइनस वन बाय एम, और नॉर्मल का स्लोप क्या ले लेंगे एम वन, और ये माइनस वन बाय टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, चलो अब देखते हैं, तो एम वन आ गया बेटा माइनस वन अपॉन एम, एम का क्या है स्लोप पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, तो यहाँ अगर माइनस पाई बाय टू लिखते, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, टू अपॉन पाई, ये आ गया आपका एम वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो यह इक्वेशन निकालना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं बेटा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, देख लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, अब क्या हो तो हर बार मैं एक बार लिख रहा हूँ, आप हर बार पॉइंट्स लिखो, यहाँ भी लिखो एट पॉइंट, यहाँ भी लिख सकते हैं एट पॉइंट, आप खींच चाहे वो, ठीक है, तो देखो यहाँ हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन, ध्यान देना वाई माइनस वाई वन क्या है बेटा पाई बाय टू, तो पाई बाय टू लिख लो, ठीक है, एम क्या आ गया आपका टू पाई टू बाय पाई एक्स माइनस एक्स वन क्या है बेटा एक्स वन आपका वन है, ठीक है, याद ध्यान देना, यहाँ अगर आप अच्छे से वाई माइनस पाई बाय टू, ठीक है, इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन पाई माइनस टू बाय पाई, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ये टू एक्स अपॉन पाई वैसे का वैसा, ये वाई इधर आके माइनस वाई, ठीक है, प्लस का उधर जाके माइनस, और ये पाई बाय टू इधर प्लस है ना बेटा, उधर इधर माइनस है ना, उधर जाके प्लस, तो माइनस टू बाय पाई प्लस पाई बाय टू इज इक्वल टू जीरो, अब इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ लिखना है और, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है इसलिए, ठीक है, ध्यान दो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका
क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इतना लंबा करता नहीं, यहाँ क्या करता है, यहाँ सीधा सीधा पाए कॉमन ले लेते हैं ना, पाए दोनों में कॉमन आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, पाए कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर देता है, यहाँ हाँ यहाँ टू आई, यहाँ देखो टू आई माइनस पाए बाय टू कर लेता, और यहाँ कर लेता टू एक्स माइनस टू बाय पाई, इतना लंबा करने से। ठीक है, और यहाँ दोनों साइड टू पाए से मल्टीप्लाई कर लेता, यहाँ टू टू कैंसिल, यहाँ पाए पाए कैंसिल, तो ये इधर लेके आ जाते पहले ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पाए से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो टू आई पाए टू पाए वाई, टू पाए वाई लेता है ना, टू टू पाए वाई, ठीक है, टू पाए वाई माइनस पाई का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा टू टू जा फोर एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो अब देखो अब कितने आसानी से आ जाएगा हमारा इक्वेशन, दैट फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, देखो ये इधर फोर एक्स यही रह जाएगा, तो फोर एक्स माइनस फोर एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस टू पाई वाई, ठीक है, माइनस टू पाई वाई, ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस पाई स्क्वायर है, तो ये माइनस फोर इधर जाए, इधर जाएगा माइनस फोर है ना, और माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आ गया आपका इक्वेशन। ठीक है, इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, देखो ये आपका इक्वेशन आ गया है। ठीक है, फोर माइनस पाई का स्क्वायर, क्योंकि ऐसे आता है, कुछ हो नहीं सकता, यहाँ मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई किया ऐसे के ऐसा, क्लियर। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और एक बात यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि अगर यहाँ टू हटाना चाहोगे तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा बेटा, कुछ देखो टू टू नहीं आएगा, यहाँ आएगा टू से अगर मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल, तो आ जाएगा पाई एक्स प्लस टू वाई माइनस टू पाई इक्वल टू जीरो, ये टेक्स्ट बुक वाला आंसर। ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन ये टेक्स्ट बुक वाला परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो तो इसे भी आप देख सकते हो, क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्या क्लियर दिख रहा है आपको पूरा? हाँ दिख रहा है, आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन देखिए, एक्स साइन एक्स क्या है, एक्स साइन टू वाई, ठीक है, इक्वल टू वाई कॉस टू एक्स, इसे डिफरेंशिएट कर लोगे आप, है ना, बहुत ही आसान है। देखो पहले प्रोडक्ट टू लगेगा, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं समझूंगा कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, मैंने पहले कह दिया है, तो मैं डायरेक्टली करूंगा। देखो x sin 2y का डिफरेंशिएशन cos 2y, ठीक है, यहाँ हो जाएगा cos, और यहाँ हो जाएगा cos 2y, ठीक है, अब 2y का डिफरेंशिएशन 2y जाएगा बाहर, और dy by dx हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ x को ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं थी, पहले इसे ब्रैकेट बांध दो, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ ये x sin 2y का डिफरेंशिएशन पहले आ गया, ठीक है, x वैसे वैसे बाहर, फिर ये sin 2y, क्यों, क्योंकि ये है प्रोडक्ट रूल, ये u और ये v, ठीक है, तो ये पहला वैसे के वैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वैसे के वैसा, मतलब साइन टू वाई वैसे के वैसा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ठीक है, जो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ वाई वैसे के वैसा कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू एक्स, और टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, टू, क्या हो जाएगा, टू, जो कि आपको लिखना है तो लिखिए, वरना मत लिखिए आपकी इच्छा, ठीक है, समझ गए, साइन टू एक्स हो गया, फिर यहाँ टू और एक्स का वन हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अगर आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट करके लिख लो, मतलब ऐसे ब्रैकेट करके आप लिखो, वरना मत लिखो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, चलो बीच में आ जाएगा प्लस ये कॉस टू एक्स वैसे का वैसा, और ये डी वाई बाय डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, अब यहाँ हम डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म एक साइड ला लेंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में से, देखो ये और ये टर्म, ठीक है, तो ये टर्म इधर आ जाएगी, तो माइनस ये पॉजिटिव, तो यहाँ ये टू आगे आ जाएगा, तो टू एक्स कॉस टू वाई, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये इधर आके निगेटिव, तो माइनस कॉस टू एक्स, ठीक है, और यहाँ देखना, यहाँ ये टर्म उधर चल जाएगी, तो एक्चुअली यह है माइनस टू वाई, क्या टू वाई साइन टू एक्स, और ये प्लस का उधर जाके माइनस साइन टू वाई, क्लियर, ये उधर जाके माइनस साइन टू वाई, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन, तो टू वाई साइन टू एक्स माइनस साइन टू वाई अपॉन टू एक्स कॉस टू वाई माइनस कॉस टू एक्स, ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना, हमारा एक्स क्या है, हमारा एक्स है बेटा पाई बाय फोर, मतलब एक्स वन बोल दो इसे, और वाई वन है पाई बाय टू, तो ये हमें करना है,
डिफरेंस इसे यहाँ पुट करके हमें करना है आंसर, तो डीवाई बाई डीएक्स निकाल लेते, तो डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू यही स्लोप हो जाएगा, यही निकाल लेते हैं क्योंकि इधर हमें यहाँ से लाइन लेनी है और फिर वो उधर थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसे छोटा भी नहीं कर सकते, ये इतना आया है तो आया ही है, ठीक है। तो डीवाई बाई डीएक्स ध्यान देना पाई बाई टू, यहाँ मैं वाई की जगह डालूंगा पाई बाई टू, ठीक है, एक्स की जगह डालूंगा पाई बाई फोर, तो टू इंटू पाई बाई फोर, ठीक है, माइनस साइन टू वाई, इसकी वैल्यू है पाई बाई टू, ठीक है, क्लियर। ये एंगल है साइन का, ठीक है, ये पाई बाई टू, टू इंटू पाई बाई टू एंगल है साइन का, अपॉन ये हो गया टू, एक्स क्या है, एक्स से पाई बाई फोर, वापस से यहाँ पाई बाई फोर इंटू कॉस टू वाई, तो कॉस टू वाई की वैल्यू पाई बाई टू, ठीक है, माइनस यहाँ कॉस टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर, ठीक है बेटा, एक्स की वैल्यू वापस से मैंने डाल दी पाई बाय फोर, ठीक है। अब यह है ये टू से टू कैंसिल, तो पाई बाय टू कॉस ऑफ पाई बाय टू जीरो, ठीक है, ये टर्म तो गई पूरी, ये जीरो हो गई। अब यहाँ देखो टू टू जै टू टू जै वन, टू वन जै टू, टू टू कैंसिल, तो कॉस पाई हो गया 180, तो कॉस 180 होता है माइनस वन, तो ये हो और ये यहाँ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा पाई बाय टू की, ठीक है, ये आ गया पाई बाय टू, क्लियर। और यहाँ कॉस पाई यानी माइनस वन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, ठीक है, या एक काम करते डीवाई बाई डी एक्स लिख लेंगे, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखना इसमें क्या क्या बचा, ये टू टू कैंसिल, ठीक है, गया ये टू टू, फिर ये टू जा गया, ठीक है, टू टू जा फोर, तो साइन पाई बाई टू यानी साइन 90, साइन 90 यानी वन, वन इन टू पाई, सिर्फ पाई बचा, क्या बचा, सिर्फ पाई, यहाँ देखो टू टू कैंसिल, तो साइन 180, साइन 180 जीरो बेटा, साइन जीरो पे जीरो और साइन 180 पे भी जीरो, ये पाई बाई टू बचा और ये कॉस पाई बाई टू जीरो, सॉरी कॉस पाई माइनस वन, ये टू टू तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो कॉस पाई माइनस वन, तो यहाँ बचा माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ लिख लेंगे अपॉन माइनस पाई बाई टू, देखते हैं और कोई बचा है क्या, कॉस पाई बाई टू, यहाँ कॉस 90, देखो टू टू जो फोर हुआ था कॉस 90, तो कॉस 90 होता है बेटा जीरो, तो माइनस जीरो, तो लिख के फायदा है, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ बचा पाई अपॉन माइनस पाई बाई टू, तो ये आप स्लोप आपका आ जाएगा माइनस टू, ठीक है, माइनस टू स्लोप, तो एक देख सुनो यहाँ यहाँ भी माइनस था, तो यहाँ का माइनस, ठीक है, यहाँ का माइनस हमें देना है अभी, ये बचा हुआ है, तो रुको ये माइनस हमने यहाँ से दिया, ये पाए और ये पाई बाई टू कॉस 180 का माइनस और यहाँ का माइनस, ठीक है, यहाँ का माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस था ना, तो ये और ये माइनस कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ आ गया डीवाई बाई डी एक्स आपका टू, ये टू ऊपर रेसिप्रोकेट हो गया, तो यही तो स्लोप बेटा, यही तो था आपका स्लोप, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, क्लियर, ये अलग ब्रैकेट है, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट दो ही मत चाहिए आपको, आपकी अगर इच्छा नहीं है तो मत दो ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ये दो ही मत, क्लियर। तो ये टू ऊपर, तो यहाँ आप बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे घुटने की आदत कम जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टू, ये आ गया आपका स्लोप, इसे हम एम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब इसका इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान है बेटा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन क्या है बेटा पाई बाई टू, क्या है पाई बाई टू, m क्या है बेटा टू है, ठीक है, ध्यान देना x x1 क्या है बेटा पाई बाई फोर, देखो यहाँ लिखा करो ध्यान से, ठीक है, अब ये यहाँ हो गया टू, यहाँ एक काम करते टू इधर भेज देते सीधा, तो यहाँ y माइनस पाई इज इक्वल टू ये टू आई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते टू आई और ये टू एक साथ ऐसे डायरेक्ट भेज सकते, यहाँ टू इंटू आई टू आई कर लेते, फिर टू यहाँ एक साथ ला लेते दोनों के, टू इधर भेज दिया, टू टू जो फोर, फोर इंटू एक्स फोर एक्स माइनस पाए, तो यहाँ फोर इंटू फोर, तो ये फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर भी लिखते देखो क्या किया मैंने, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया टू इंटू आई टू आई, यहाँ टू नीचे आ गया, ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज सकते, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साथ टू लाना होगा, फिर ये पूरे के नीचे टू आ गया, टू टू जो फोर, तो फोर इंटू एक्स फोर एक्स और ये फोर फोर कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, देखो फोर एक्स यहाँ हो गया, ये पाई उधर जाके वापस कैंसिल, तो ये माइनस टू है, फोर एक्स माइनस टू आई इज इक्वल टू, ये उधर चले गया आपका, तो आपका आंसर हो गया
ये पाई पाई जीरो, तो 4x - 2y = 0 वापस से, ठीक है, 4x - 2y = 0, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते बेटा सबसे पहले, ठीक है। और एक बात बता दो, इसे आप और सिंपलीफाई कर सकते, ये 4 है, ये 4 है, ध्यान देना, एन नहीं है, ये 4 है। कोई कोई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर 4 है क्या है, इसलिए मैं बता देता हूँ पहले 4, ठीक है, ये क्या है, 4 है, थोड़ा घोटे रहे इसे, ठीक है, वापस ही लिख लेते हैं इसको, बहुत ही ये भद्दा दिख रहा है, चलो 4, तो ये 4। अब ध्यान देना यहाँ, इससे आप 2 कॉमन निकाल के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x या लिख दूंगे, तो इससे आप 2 कॉमन निकालोगे तो 2 उधर, तो क्या हो जाएगा, 2x - y = 0, ये है टेक्स्ट बुक वाला आंसर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये दिया है टेक्स्ट बुक के पीछे, ठीक है। चलो अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब देखो ध्यान से नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल का अगर इक्वेशन आप ध्यान से देखोगे तो इसके स्लोप, तो पहले आपको स्लोप निकालना होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा उसका, m1 = -1/m, ये मैंने यहाँ जानबूझ के दिया हेडिंग जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, तो यहाँ -1/m, तो यहाँ m क्या है आपका 2, तो ये 2 नीचे तो ऊपर चले जाएगा क्या, नहीं इस बार कुछ नहीं ऊपर, क्योंकि ये सीधा 2 है, चला कुछ नहीं है, तो -1/2, तो m1 आपका आ गया -1/2। अब क्या है सीधा आसान, y - y1 = m1 (x - x1), अब y - y1 क्या है, π/2, यहाँ m की वैल्यू क्या है आपकी, m1 की वैल्यू है आपकी -1/2, x - x1 क्या है आपका, π/4 क्या है, π/4, ठीक है बेटा। अब यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे दोनों साइड ये 2 से, तो यहाँ देखो 2y - π/2 = ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक काम करो मल्टीप्लाई मत करो ऐसे रहने दो, क्योंकि यहाँ आपका काम आसान हो रहा है, ठीक है, यहाँ आपका काम क्या हो रहा है, आसान हो रहा है, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल सीधा, ठीक है, दोनों साइड ये इधर आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो अब यहाँ हो गया -x, तो ये -x इधर आएगा तो +x, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो -x इधर आएगा तो +x, ये +2y, ठीक है, यहाँ -π है, ठीक है बेटा, ये लिख लो साइड में, ये -, तो +π/4, तो यहाँ इधर आएगा तो -π/4। अब यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4π - π, मतलब 4π - 4π - π/4 हो जाएगा, मतलब -5π/4, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे -5π/4 = 0, ये आ गया इसका इक्वेशन, ठीक है, देख लो अच्छे से एक बार इसका पूरा कैलकुलेशन, तो यहाँ ये क्या हो गया, ये -, इधर आके वापस से माइनस, और ये एक्स भी मैंने इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, तो ये -π इधर आके प्लस का -π/4, ठीक है। और एक बात सुनना बच्चा, यहाँ आप चाहो तो इसी के जैसे जुगाड़ करके, यहाँ जैसे मैंने 2 कॉमन निकाला था वैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यही हो जाएगा 4x + 8y - 5π = 0, इसी इक्वेशन को दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करना, 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आगे आपका फाइनल आंसर 4x + 8y - 5π = 0, ये आपकी चॉइस है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, मैं बोल रहा हूँ ये भी चलाना पड़ेगा आगे वाले को, ये आप चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, पीछे का आंसर ऐसा है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तो आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, ठीक है, ये थोड़ा बारीक है ना, तो बारीक चीजों को हाई क्वालिटी में देख के स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो, फिर उसको देखा करो, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वालिटी बढ़ा दिया करो जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब देखो x = sin θ, ठीक है, तो आप थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे इसे, और यहाँ y = cos2θ, इसे भी थीटा से, ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखो dx/dθ = sin θ, sin थीटा का क्या हो जाएगा बेटा cos θ, तो ये आ गया आपका आंसर यहाँ इसका dx/dθ का, वापस से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या आ गया बेटा आपका dy/dθ। अब ध्यान देना यहाँ cos2θ का आंसर आ गया आपका -sin2θ, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और 2θ को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, 2θ को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, dθ/θ, ये 1 हो गया, ठीक है, जैसे कि x होता है, क्योंकि थीटा 2θ का 2 कांस्टेंट बाहर, थीटा 2θ/dθ/dθ, तो ये आ गया 1, ठीक है, तो ये आपका आ गया dy/dθ। आप अगर इसे बहुत ही अच्छे से प्यार से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते dy/dθ, और इसे डिवाइड कर दो, ये 2 आ गया तो -2sin2θ,
ये भी आप प्यार से लिख सकते चाहो तो ठीक है, इतना प्यार दिखाना अच्छा नहीं है, डायरेक्टली वहां छोड़ के भी लिख सकते थे। देखो यहाँ हमें डिवाइड बाय डीएस चाहिए, इसका हमें कोई काम नहीं था, ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन था इसलिए पहले पैरामीटर थीटा था उससे डिफरेंशिएट किया, आप डिवाइड बाय डीएक्स निकालेंगे। ठीक है, समझ रहा ना, मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप चाहो तो ये भी लिख लो, ये स्टेप आपको ऐसे आती है, डिवाइड बाय डी थीटा अपॉन डीएक्स बाय डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ डिवाइड बाय डी थीटा आ गया माइनस टू साइन टू थीटा, ठीक है, और डीएक्स बाय डी थीटा क्या आ गया, डीएक्स बाय डी थीटा आपका आ गया कॉस थीटा, क्या आ गया कॉस थीटा। अब देखो अब इसे भी अच्छे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ लिखना होगा dy by dx is equal to, देखो यहाँ लिख सकते हैं माइनस टू, इसे वापस से एक बार, ये cos 2 थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये डेसिमल वाला डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई वाला डॉट है, कौन सा मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ठीक है। चलो अब ये अपॉन में क्या हो गया, यहाँ cos थीटा था तो ये cos थीटा और ये cos थीटा खत्म, आप चाहो तो मत करना, डायरेक्ट भी हो सकता है dy by dx is equal to 2 to the 4 तो माइनस 4 साइन थीटा, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन का आंसर dy by dx। अब थीटा कितना है, पाई बाय 6, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे dy by dx कितना देखते हैं, तो dy by dx is equal to माइनस 4 साइन पाई बाय 6। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखो साइन पाई बाय 6 क्या है, साइन 30, और साइन 30 का क्या आंसर आता है 1/2, तो यह आ जाएगा माइनस 4 इंटू 1/2। ठीक है, माइनस 4 इंटू 1/2, 2 2 से कट गया दो बार, तो यह आ गया आपका डिवाइड बाय dx माइनस 2, क्या आ गया बेटा माइनस 2, यानी आप लिख सकते हो अब यहाँ डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 6 पर, पाई बाय 6, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 आपका आंसर आ गया डिवाइड बाय dx का माइनस 2। ठीक है, क्लियर, तो आपका स्लोप आ गया यहाँ माइनस 2, समझ गए। ठीक है, अब ध्यान देना आगे, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आपको x और y पता नहीं है ना, तो x और y की वैल्यू निकालो, पहले x इज इक्वल टू साइन थीटा दिया गया, ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू तो आपको पता है साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, और यहाँ लिख लो y इक्वल टू cos साइन पाई बाय 6 है ना, हाँ, और cos 2 थीटा, तो cos 2 इंटू पाई बाय 6, तो यहाँ हो गया cos पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 60, वो भी 1/2, तो x और y दोनों आ गए आपके 1/2, और ये जो स्लोप है ये आपका गया माइनस 2। ठीक है, चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूरा ध्यान देना, या नया क्या है बेटा, या हमें किसी भी तरीके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दिए नहीं थे, हमने खुद से निकाला है, सपोज आप एक्स वन वाई वन भी बोलो तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये स्लोप जो है एम है, और यही डिवाइड बाय डीएक्स है, और डिवाइड बाय डीएक्स ही है माइनस टू, तो आपका स्लोप क्या आ गया माइनस टू। ठीक है, चलो अब यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलते, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलते, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। ठीक है, देखो y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, y वन क्या है बेटा 1/2, m क्या है बेटा माइनस टू, क्या है माइनस टू, x माइनस एक्स वन, तो x वन कहा है 1/2। ठीक है, अब इसे सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो गया 2y माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस टू, यहाँ हो गया आपका 2x माइनस 1 अपॉन 2, टू टू कैंसिल, यहाँ देखो बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ ये माइनस है देखो माइनस से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 बचा तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, अब माइनस 2 ये माइनस है, इस माइनस को भूलना मत, ये माइनस, ये 2 2 कैंसिल हुआ, अभी माइनस बाकी है, तो माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 है, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 अंदर 2 तो यहाँ प्लस 2। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये 4x इधर आ जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस 2y हो जाएगा, ये प्लस 2 इधर आ गया माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका इक्वेशन, क्या आ गया माइनस 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया आपका इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब बढ़ते स्लोप ऑफ नॉर्मल की ओर। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आपका वो हो जाएगा यहाँ
m1 is equal to 1 upon m4 minus 1 upon m1. ठीक है, तो m1 है यहाँ, m क्या है आपका, m आ गया आपका माइनस टू, तो ये माइनस वन अपॉन माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/2. ठीक है, तो m1 आ गया आपका 1/2. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान देना, इसे थोड़ा छोटा करके अब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, यहाँ लिखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, देखो y माइनस y1 क्या है, 1/2 डायरेक्ट लिखेंगे. ठीक है, इज इक्वल टू m1, m1 क्या है यहाँ 1/2, x माइनस x1 क्या है बेटा 1/2, तो वो भी 1/2 लिख लेते. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2, x माइनस 1/2, 2 कैंसिल. ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर यही कर सकते थे, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2, पूरा 2 लिख लो अपॉन में. चलो ठीक, ये क्या किया मैंने समझ लिया ना, 2 इंटू x, 2x माइनस 1, तो यहाँ हो गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 तो कैंसिल हो गया, 2 सर 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1. ठीक है, ये सीधा हो गया, ये कैलकुलेशन. ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना, 2x ये माइनस 4y, ये माइनस उधर जाके प्लस 2, तो ये देखो ये 2x जगह पे रखा है, ये उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा प्लस 2, तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. क्लियर. चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जहाँ पे लिख दिया था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो. बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर. चलिए अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना. ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने लायक क्वेश्चन है ये, x इज इक्वल टू रूट टी, y इज इक्वल टू टी माइनस रूट टी. ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल टू रूट टी, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन रूट टी. ये पहले क्वेश्चन थे, थोड़े लंबे, बाद में टेंशन मत लो, छोटे. ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, पैरामीटर कौन है टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो देखो dx बाय dt इज इक्वल टू, dx बाय dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट टी, 1 अपॉन 2 रूट टी. अब ध्यान देना 1 अपॉन 2 रूट टी आ गया, अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन इसके आगे नहीं होगा, बस छोड़ो इसे. ठीक है, वाई का भी कुछ ऐसे ही, dy बाय dt इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन 1 और 1/2 रूट टी. देखो 1/2 रूट टी, सॉरी 1/√t, 1/√t, 1/√t हो गया, हो जाएगा ऊपर जाएगा, देखो t का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये अगर dx करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 नीचे. ठीक है, माइनस 1/2 नीचे, अब ये यहाँ t माइनस 1/2 का माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 1/2, तो एडिशन हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 t का पावर माइनस 3/2, तो नीचे आ जाएगा, तो पॉजिटिव 3/2, तो ये 3/2 गया. ठीक है, तो यहाँ एक पॉजिटिव 3/2 बच गया. ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो यहाँ इसको ध्यान से देखना एक बार. ठीक है, ये मैंने डिफरेंशिएशन में एक बार बताया था, बहुत बार बताया होगा लेकिन याद नहीं, माइनस 1/2 टी का पावर 3/2. ठीक है, अब कहाँ एग्जैक्टली बताया था वो याद नहीं अभी, तो यहाँ dy बाय dt आपका हो गया, dy बाय dt आपका यहाँ आ गया. देखो ध्यान देना, यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 टी का पावर 3/2, ये आ गया आपका यहाँ dy बाय dt. अब dy बाय dx निकालना कोई मुश्किल नहीं, dy बाय dx इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो ये क्या है, यहाँ देखो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. अब ध्यान देना, अब dy बाय dt क्या आ जाएगा बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ शॉर्टकट के लिए. ठीक है, कर लेते क्या या नहीं करते, कर लेते. देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 t का पावर 3/2, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ मत करो, यहाँ कर लो, स्टेप बच जाएगी. यहाँ गया 2 t का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 t का पावर 3/2, ये सिर्फ dy बाय dx, ये सिर्फ dy बाय dt अभी निकालना है. ठीक है, अभी x हमें लिखना है. ठीक है, x का लिखते हैं, देखो ये इक्वल टू इसलिए बीच में ले लिया, अब देखना 1 अपॉन 2 रूट टी. ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट टी. ठीक है, अब यहाँ 2 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया. ठीक है, अब ये रूट टी और ये टी का पावर 3√t. देखो अब यहाँ हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. ध्यान देना, यहाँ ये 2 टी का पावर 3/2 प्लस 1, ये तो 100% ऊपर रहेगा. ठीक है, ये प्लस 1 नीचे है, यहाँ है ये प्लस 1, ये 3/2 इसके पावर में. ठीक है, ठीक है, ये इसके पावर में. ठीक है, ध्यान देना, यहाँ ये 2 का पावर 3/2 प्लस 1 आ गया. अब ये नीचे आ जाएगा t,
तो यहाँ ये टीका पार 3/2 नीचे आ गया, ठीक है, इनटू ये रूटी यहाँ ऊपर चले गया, ठीक है। तो अब यहाँ आ गया आपका डिवाइड बाय डीएक्स, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू डाल के आंसर निकाल के देखते क्या आ रहा है हमारा स्लोप, ठीक है। स्लोप हमें डिवाइड बाय डीएक्स ही मिलता है, ठीक है बेटा। सॉरी, अब टी क्या है हमारा 4 है, ठीक है। 4 यहाँ 4 डालो, यहाँ 4 डालो, यहाँ 4 डालो, तो 2 × 4 का पावर 3/2, ठीक है, प्लस 1/4 का पावर 3/2, ठीक है, इंटू रूट 4। अब ध्यान देना, dy by dx is equal to 4 का पावर 3/2। अब 4 का पावर 3/2 क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, 4 का रूट जब निकालेगा तो 2, और 2 का रूट देखो, ध्यान देना 3/2 है ना, तो 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 का 1/2 और ऊपर 3, क्योंकि 3 × 1/2 m into n होता है ना, a का पावर m into n is equal to a to power n होता है ना, फुल ब्रैकेट। तो इसे मैंने यहाँ सॉल्व किया, तो इसका पहले रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा, फिर उसका क्यूब तो 8, या उल्टा भी कर सकते हो, 4 का क्यूब 64 निकालो पहले और फिर उसका हाफ पावर ले लो, ठीक है, तो रूट इसका क्या हो जाएगा 8, आंसर लास्ट में वही आएगा, कैसे भी खाओ, ठीक है। तो यहाँ 2 × 8 + 1/8 मल्टीप्लाइड बाय टू, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड रूट 4 का 2 आएगा, 2 इससे गया, 4 बार गया, ठीक है, 2 × 4 = 8, यह हो जाएगा 16, 16 + 1 = 17, तो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 17/4, ठीक है, ये आ गया आपका स्लोप, ठीक है। तो अब देखो टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, समझ रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा अटपट आए ध्यान देना, क्योंकि पिछले इसमें किया है हमने ऐसे, तो डरना नहीं इससे, ठीक है, 17/4 आ गया, क्योंकि यही तो डिवाइड बाय dx होता है, क्लियर। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये जगह मैंने नॉर्मल की छोड़ रखी है, ठीक है, ये नॉर्मल निकालना है, तो y - y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x - x1, ठीक है। तो देखो y - y1 क्या है, अब y1 भी दिया नहीं है, तो आपको y और x निकालना है, चलो मैं यहाँ निकाल लेता आपके लिए, x इज इक्वल टू रूट टी, तो क्या हो जाएगा रूट 4, ठीक है, x इज इक्वल टू ये रूट 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 आ गया, क्या आ गया 2, ध्यान देना इस पर, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ स्टार निकाल लेता मैं रेड कलर से, ठीक है, ये हो गया आपका x, और यहाँ निकाल लेते y, तो y इज इक्वल टू क्या है t, मतलब 4 - 1/4, देखो यही बोला गया t, 4 - 1/√4, तो यह आ गया 4 - 1/2, तो अगर y अगर ऐसे निकल रहा है, एक मिनट, हाँ ये देखो, यहाँ y अगर ऐसे निकल रहा है, तो हम क्या y को ऐसे लिख सकते हैं, 4 में से आधा गया, क्या बचा 3.5, यानी क्या बचा 7/2, क्या 7/2, ये आ गया आपका y, ठीक है। अब इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर देते, जैसे कि आपको आपकी नजर इस पर पड़ जाए, मैंने बहुत ही नीचे लिख दिया इसे, ठीक है, क्या जगह नहीं थी, क्या देखते आप दिख रहा है, ये विजिबल है आपको पूरा, एक बार देख लेता हूँ एक्स और वाई, हाँ चलो 7/2 दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, ये वाई आ गया 7/2, मैंने कलर नहीं बताया, 7/2 इज इक्वल टू एम क्या हो गया बेटा, एम आपको हो गया बेटा 17/4, क्या हो गया 17/4, ठीक है, और x माइनस x1 कितना हो गया, x1 हो गया 2, ठीक है, यही है x1 y1, यहाँ लिख लो चाहिए तो, हमेशा बोल रहा हूँ यहाँ x1 y1 लिखो तो चलेगा, ठीक है। अब देखो y यहाँ 2y, एक मिनट, यहाँ ओवरऑल 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट देखो 4 से कर दोगे तो ये 4 खत्म, यहाँ 4y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7 × 14, देखो 4 से मल्टीप्लाई किया इसे तो 4y, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया 2 × 2 = 4, तो ये 4 को 2 बना देगा, यहाँ जो 4 लाऊंगा तो 2 × 2 = 14, ठीक है। अब यहाँ 4 से करोगे सीधा 17, तो यहाँ आ गया 17x - 17 × 2 = 34, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ हो जाएगा 17x पॉजिटिव, ये -4y उधर चल जाएगा, ये -14 हो जाएगी +14, तो 34 + 14 - 20 = 0, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, क्लियर, 17x - 4y - 20 = 0, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ध्यान दो कैसे किया, 17x यही रखा, इसे उधर लेके गया प्लस -14 को उधर +14, -34 + 14 - 20, क्योंकि ये -34 बड़ा है, क्लियर। चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, ध्यान दो नॉर्मल का स्लोप
आपका हो जाएगा एम वन इज इक्वल टू वन अपॉन एम, और वो भी माइनस वन है, तो माइनस वन अपॉन एम क्या आपका, एम आपका आ गया 17/4, तो 17/4 नीचे लिख लेते पहले ऐसे, ठीक है, तो इसीलिए एम वन क्या हो गया -4/17, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम वन इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, तो y क्या है, वाई वन क्या बेटा, वाई वन आपका यहाँ ये 7/2, ठीक है, एम वन माइनस 4/17, x माइनस एक्स वन क्या है 2, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ 17 से ओवरऑल में मल्टीप्लाई करूँ नहीं, ऐसा मत करना, इस बार 34 से करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 2 भी कट जाएगा फिर और ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं 34 से ना करते हुए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे 2y-7/2, ठीक है, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, तो यहाँ हो गया 2y-7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ ये -4/17, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेगा ना, -4x-+, तो ये हो गया 4 × 2 = 8, तो ये 8 सिर्फ 8 आएगा, ठीक है, देखो -(+-), तो -4 × -(+), तो 4 × 2 = 8 अपॉन पूरा का पूरा 17, ठीक है, अब ये 17 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 34y-17 = 7 × 7 = 49 ऊपर आ गया 7 + 4 = 1 मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा -8x, यहाँ हो जाएगा +16, ठीक है, तो 8x यहाँ पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो यहाँ +34y, ठीक है, 8x + 34y पूरा चेक करो, 8x + 34y, यहाँ +16 का -16, तो ये -19 - 16 कितना आ जाएगा, देखो -119 और -16 क्योंकि एडिशन होगी साइन से मतलब, तो यहाँ आ गया आपका 5, यहाँ 1, तो यहाँ 3 और यहाँ 1, तो -135 = 0, ये आ गया आपका यहाँ आंसर, ठीक है, इस किसी नंबर से डिवाइड होता कॉमन, ठीक है, चलो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन बहुत ही अच्छा खासा बड़ा आया, ठीक है, 135 इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना क्वेश्चन पे, एक एक स्टेप पूरे मन लगाया करना, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट निकाल लो, तो आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू √(x-3) वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x + 3 - 5 = 0। अब ध्यान देना क्वेश्चन पे, ध्यान देना बेटा क्या बोला गया है कि आपको एक कर्व दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, ये कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू √(x-3), ठीक है, अब ध्यान दो क्या बोला गया आगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, मतलब टेंजेंट एक लाइन को परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट इस तरीके से सपोज, और ये टेंजेंट जो है ये परपेंडिकुलर है टू अ लाइन, एक लाइन को टेंजेंट परपेंडिकुलर है जो कि ऐसी होगी, सपोज ये नॉर्मल तो नहीं बोला, ऐसी लाइन होगी, ठीक है, यहाँ ये टेंजेंट परपेंडिकुलर, इस लाइन का इक्वेशन दिया गया, यहाँ ये टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है और इसका इक्वेशन दिया गया है 6x + 3y - 5 = 0, ये हमें बोला गया है, ठीक है, 6x + 3y - 5 = 0, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल मत लिखना, क्योंकि नॉर्मल होता तो कुछ और होता, वैसे निकाला तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल बोला नहीं इसलिए मैंने यहाँ से ऑफसेट मतलब यहाँ से थोड़ा दूर निकाला, ठीक है, चलिए क्लियर, इतना समझ गया, चलो अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, y = x-3 इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ कर्व, अब ध्यान दो यहाँ, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, तो यहाँ ये चीज अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है और ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर है, जिस कारण से इन दोनों के स्लोप, इसका मैं अगर टेंजेंट एम बोलूँ और उस लाइन का m1 बोलूँ, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, और इसी चीज का हमें फायदा उठाना है, ठीक है, इसी चीज का हमें फायदा उठाना है और यहाँ हमें पॉइंट निकालना है, ठीक है, कर्व के, चलो मिटा दो, चलो कैसे निकालना है आपको बता दो, सबसे पहले देखो बेटा, या सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसी से हमें मिलेगा टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, लाइन का तो 2 मिनट में मिल जाएगा, लाइन का स्लोप मैं तो बता भी सकता हूं आपको, देखो -a/b, ठीक है, तो -6/3 - -2 वो आ गया, ठीक है, लेकिन इसका निकालना है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx = 1/2 √(x-3), अब आप बोलोगे कि आगे के x माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बेटा करके देख लो dx(x-3), तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 1 और इसका हो जाएगा बेटा -0, तो 1 - 0 तो वैसे भी 1 आ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, फायदा क्या है,
तो मत लिखो ना सीधा, ठीक है क्लियर। तो ये आ गया आपका डिवाइड बाय डीएक्स, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यही है, ठीक है। इससे ही पॉइंट निकलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसे हम एम बोल देते, क्या बोल देते, एम, ठीक है क्लियर। ये हो गया, अब ध्यान देना, अब इसके बाद हमें स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालना, ठीक है। तो गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएगा, देखो गिवन लाइन का पूरा लिख लेते, 6x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0 बेटा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -5 बाय कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म जो कि होता है ax + by + c = 0। पता होगा ना, या टेंथ से पढ़ते आ रहे हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रा, ठीक है, मिटा दो, चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी था, ठीक है। तो देयरफॉर आप इसका स्लोप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, देखो बहुत आसानी से इसका स्लोप निकल जाएगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m1, इसका m1 बोल देते, स्लोप इज इक्वल टू -a/b होता है, क्या होता है -a/b। ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ाया, पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, पूरा देखो स्ट्रेट लाइन 12th स्टैंडर्ड का, उसमें मैंने डिटेल में बताया। तो माइनस ए, वैसे 11th का टॉपिक है और 10th में भी होता है, लेकिन मैंने 12th में अच्छे से पता हुआ, ठीक है। तो -6/3, देखो ए क्या है यहाँ 6, तो ये -6/b 3, तो ये डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, -2, इसे काटते नहीं डायरेक्ट लिखते -2, ठीक है। तो यहाँ आप बोल सकते हो सीधे सीधे कि ये थोड़ा इधर खींच लूँ ना मैं, हाँ थोड़ा ये जगह उधर प्रॉब्लमेटिक देगा, जगह होनी चाहिए ना हमारे पास उधर। तो m2 आ गया आपका -2, तो यहाँ लिख दो क्या मैं m2 = -2, क्लियर। ये दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो थोड़ा मैं एक बार, चलिए क्लियर हो रहा है ये पूरा, ठीक है हो रहा है ना, ठीक है चलो। हाँ तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ अगर आप देखो तो m2 आपका आ गया, सॉरी m1 है ना, m2 नहीं, m1 बोल रहा हूँ, ये सिली मिस्टेक्स ना, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती है। m1 = -2, अब ध्यान दो ये मैं छोटा कर लूँ इसे या मिटाई दूँ, चलो रखता हूँ इसे लेकिन थोड़ा छोटा कर देखो अब साइड में, ठीक है ये टाइम ये रह देता हूँ। अब ध्यान देना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, क्या बोला गया है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। देयरफॉर इसका स्लोप अगर m है, ठीक है, और इसका स्लोप अगर m1 है, तो दोनों का स्लोप m1 into m, मतलब ये m1 into ये m, या m into m1 इज इक्वल टू -1, ये जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका स्लोप क्या है, 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू इसका स्लोप क्या है बेटा, -2, ठीक है। ये मैंने m1, ये इधर को उधर चल जाएगा, यहाँ चाहो तो आप m लिखो या m1 लिखो कोई फर्क नहीं, a इंटू बी करो, b इंटू ए करो, आंसर सेम आने वाला है। तो दिस वॉज द स्लोप ऑफ आर टेंजेंट एंड दिस इज स्लोप ऑफ आर गिवन लाइन, ठीक है। अब इज इक्वल टू -1, क्या आ जाएगा -1, -1 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, देखो 2 कैंसिल, ये -1 कर, यहाँ करता नहीं, देखो 2 कैंसिल, -1 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये 1/√x − 3 = 1, तो ये उधर चले गया, ये हम स्क्वेयरिंग चले कर लेते तो x − 3 बाहर आ जाएगा, = 1, ये कैसे आ गया, स्क्वेयरिंग, ठीक है बेटा, बाय स्क्वेयरिंग दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये x − 3 उधर चले गया, तो x − 3 = 1, देयरफॉर x = -3 हो जाएगा, +3 + 1, देयरफॉर x = 4, क्या आ गया 4, ये -3 उधर गया +3, तो 3 + 1 = 4, तो x आ गया बेटा 4। अब y निकालना है हमें ना, देयरफॉर पुट दिस x इनटू दिस इक्वेशन, वेयर कहां इस इक्वेशन में डालो, ठीक है, 6x वाले, तो 6x + 3y - 5 = 0, क्योंकि सेम ही पॉइंट से जा रहे होंगे, ठीक है। चलो तो इससे भी y निकल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, इससे y नहीं, इससे नहीं निकलेगा, सॉरी इससे, हमने क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व वेयर द टेंजेंट टेंजेंट परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो उससे आसानी से निकल जाएगा, ये ज्यादा भरोसेमंद इक्वेशन है, ये आसान ही है, ठीक है। तो उसमें डालो, उसमें भी आ जाएगा वैसे, लेकिन ये इस्तेमाल करो, y = √x − 3, कर्व का इक्वेशन डायरेक्ट ले लो, मेन ही ले लो ना, क्यों बच्चों को ले लो सीधा, उस फादर को उठाओ, ठीक है, y = √x − 3, तो y का ये और √4 - 3, तो
y इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1 अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 जब बाहर निकलेगा रूट 1 को कोई अंदर नहीं रख सकता हवा की तरह प्लस माइनस 1 मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे देखो देयरफॉर द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हाथ देखो दो पॉइंट्स आएंगे 4,1 एक पॉजिटिव वन आ जाएगा और 4,-1 ठीक है एक तो 4,+1 या तो 4,-1 दो पॉइंट्स आएंगे देखो ये आ गए आपके पॉइंट्स तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों चलिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर वन पूरे जितने भी थे 7 के 7 और क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड क्वेश्चन जो कि मेन क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर वन में 7 सब क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर टू एक ही था तो हमने 2 क्वेश्चन इसमें पूरे पूरे कवर कर लिए एक्चुअली 8 उसके साथ और ये एक 8 ठीक है तो अगले लेक्चर में अब अगले क्वेश्चन करेंगे बहुत बड़ी एक्सरसाइज है 2 से 3 लेक्चर लगेंगे ठीक है तो मिलते हैं अगले लेक्चर में पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे बच्चों नोट्स बनाते रहे जय हिंद जय भारत।